ओए लखनीत, ये रखा नीतू का दवाइयों का बॉक्स, पहले देता हूँ उसको दवाई। कहाँ है, कहाँ है नीतू? ओए होए होए, ये बैठी आराम से मजे से। नीतू की हालत ठीक हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है नीतू के सियापे, और वो अभी हो चुका है। यहाँ हम बेड को खोल रहे हैं बिकॉज मैडम जी ने अपना फोन अंदर गिरा दिया बेड के अंदर। अब यहाँ से कैसे निकालूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अब बेड का पूरा गद्दा उद्दा सब हटवाया, अब नया टास्क दे दिया नीतू ने आते ही। अब इससे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेड भी खिसका रहा हूँ तो वो भी साथ साथ आ रहा है। अरे यार, पहले तो आंटी थोड़ी टॉर्च मारनी पड़ेगी उधर। आंटी गीला हो रहा है, उसको पहुँचो सही से। नहीं निकला, ले तो बात कर ले। बैठ के कोने में क्या? चल पी ले तू, कोई नहीं तुम्हें दिखा। बहुत ज़्यादा गर्म है आंटी, यहीं रख दो। और अब हमारे पास आखिरी शस्त्र बचा है, शंकर भगवान का त्रिशूल। शायद यही हेल्प करे। इधर नीचे सरका ले। शंकर भगवान सरका दिया। शंकर शंकर भगवान ने जितनी मदद की कर सकते थे वो पीछे पहुंच गया फोन। आंटी अब निकल जाएगा, मिल गया ना? पीछे नहीं आया। हटो, मैं बताऊं। मेरा फोन का कंज्यूमर मत बना देना। आ गया, और ये हल्का हल्का फोन दिख रहा है। यहाँ से निकालते हैं इसको, थोड़ा और आगे खिसकाता हूँ। मिल गया नीतू का फोन फाइनली। आंटी निकाल दो आप जाके। कॉन्ग्रेट्स नीतू, तेरा एक और स्यापा सफल रहा। दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद आज मुझे आईफोन मिला है। आज मुझे आईफोन की कीमत समझ आ रही है। चलो मिल तो गया खैर। अब नीतू आराम से लेट जा और अब आराम कर, ठीक है? अभी मैंने फीवर चेक करा, नीतू का 101.3। नीतू रेस्ट कर, अभी चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। अभी दवाई लेके कुछ अच्छा फील हुआ? नहीं हुआ अभी, थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं, चल अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? और अब हम चलते हैं नीतू को लेके हॉस्पिटल। चलो नीतू, गोलू भी आ गया है और अब हम जा रहे हैं नीतू को हॉस्पिटल लेकर। तो हम निकल गए यहाँ से और गोलू आगे बैठा, मैं और नीतू पीछे बैठे, बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं डॉक्टर के पर्सनल क्लिनिक पे, वो मैंने देखा नहीं है अभी तक, गोलू को रास्ता पता है, इसीलिए उसको पिक किया हमने यहाँ से। नीतू साइड में बैठी है। नीतू कहाँ दिखा लिया? चलो पहले मम्मी को फोन कर दूँ एक बार। हेलो मम्मी, दिखा लिया डॉक्टर को? इसका रैपिड टेस्ट भी करा लिया, कोविड तो है नहीं। डॉक्टर ने बोला इसको ठंड लगी है, कल बारिश पड़ी थी ना, और कपड़े आपको पता ही कितने ज्यादा पहनती है, तो ठंड लग गई है अब इसको। क्या करें, हम सब पागल ही हैं इसकी नज़र में ना। आप भी फैशन में रहा करो और यहाँ डॉक्टर के पास आएंगे बार बार फिर। अब हम सब लोग इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के फिर रहे, क्यों फिर रहे, ये ऐसी घूम रही है इसका। मम्मी आज एक काम कर देना बस, आके ना इसके जितने भी फैशन वाले कपड़े ना वो सब ले जाना, और कहीं में ऐसी जगह रख देना जो गर्मियों से पहले निकालने ही नहीं जो, क्योंकि हाँ तो वही है ना मम्मी, ऐसे हम लोग गरीब है ना बहुत, पैसे है नहीं, अब क्या करें। कम्बल में भी एक बार दो दो कम्बलों में ओढ़ रही है, वैसे तुम लाखों रुपए खर्च कर रहे हो महीने के, और वो भी ऐसे भी एक हमल ओढ़ के ऐसा सो रही है, बता इस तरह जाए कम्बल की ना बताई जा रही ना लिए जा रहे। आ जाना, आ जा अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ वापस, ठीक है? नहीं तो हद होती है यार, तेरा फैशन नहीं जाता। सोच हम सब कितने टेंशन में है, वहाँ पे तेरी मम्मी भी इतने टेंशन में है, घर पे भी सब इतने टेंशन में है कि कोविड ना हो गया हो, कुछ ना हो गया हो, किसी को रूम में आने नहीं दे रहे, और तू देख ना क्या हाल कर रखा है तूने। मतलब मौसम चेंज हो कुछ, तेरा फैशन नहीं जाना चाहिए बस, फैशन सबको टेंशन दे रखी है। तो दिखा लिया डॉक्टर को, इसका वो कोविड टेस्ट भी करा लिया, कोविड नहीं है, ठंड लगी हुई है मैडम को, क्योंकि फ्री में दो इसको। फ्री में क्या, अभी अब इसका क्या कर सकता हूँ बताओ, फिर लड़ने लगेगी। इतनी ठंड होती सॉक्स पहने में देखा कभी इसको? नहीं नहीं, अरे वो नीतू बेस्ट है ना, वो है फैशन स्टेटमेंट है यहाँ का। बिल्कुल, कितनी भी ठंड हो इसको ही ठंड लगेगी। भगवान, अब लग जाएगी ठंड। और ऐसा है ना, कोविड तो खैर इसलिए भी नहीं, क्योंकि सिम्टम कोविड वाले नहीं थे, और एकदम से उसमें इतना तेज फीवर नहीं चलता ना जैसे उसको हुआ। रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, सुबह से ठंड तो लगेगी, मानती है नहीं। अभी क्या पहना हुआ, पहने हुए कपड़े? अभी तो पहने हुए हैं, अभी तो
पहने क्यों नहीं, अब इसको ठीक करवाए, कपड़े छुपाऊंगा वाले। चलो मैं जरा घर पहुंच के करता हूँ, मैंने कॉल है ना, बता देना घर पे सबको कि कोविड वोविड कुछ नहीं है। तो मेरे YouTube वासियों, देखो नीतू की तबीयत खराब है, तो उसको देखने कौन आया है? रिकी। और मैं आया नहीं उसको देखने। और किसको देखने आया फिर तू? मैं तो तुझसे मिलने आया था। सच में? हाँ। अच्छा, रिकी और नीतू की सबसे लड़ाई चलती है आपस में, मतलब मारपीट वाली लड़ाइयां। रिकी उसको छेड़ता रहेगा, फिर ये उसको पीटती रहेगी। लड़ाई नहीं, वो पिटाई होता है, पूरे टाइम पिटती रहती है ना। सच नहीं तू? फिर कौन किसको ज्यादा मारता है? लड़ाई में तो दोनों साइड से हाथ चलते हैं। मैं मारती हूं, हमारे केस में सिर्फ मेरे चलते हैं। इनमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती है प्रोडक्ट को लेके, रिक्की कुछ लाएगा नीतू ले जाएगी, फिर नीतू कुछ लाएगी रिक्की छुपा देगा उसको, तो इनमें आपसी मतलब बास्ता रहता है आपस में बस। अब रिक्की आया इसका मूड ठीक करने। रिक्की वैसे अच्छा तो है, इसकी इन्हीं आदतों पे तो मैं फिदा हूँ। मैं बोलना चाहूँगा मुझे बहुत दुख है, नीतू बीमार हो गई है। अरे तो फ्रेंड्स, नीतू को इधर उसकी दवाई दे दी शाम वाली, और अभी मैं चलता हूँ घर, एक बार देख के आता हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। वैसे एक बात है यार, ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे को अभी जैकेट पहन के भी अभी भी ठंड लग रही है। जस्ट अभी मेरी मम्मी से बात हुई है, और उनके भी थोड़े गले में तकलीफ है और फीवर है जैसे कि दीदी को था, तो मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला सेम दीदी वाली दवाई मम्मी को भी रिपीट कर देनी 3 दिन के लिए। तो पहले मैं दवाई लेता हूँ, और लकीली हमारे बिल्कुल घर के नीचे ये मेडिकल स्टोर है, और यहाँ से मैं दवाई लेता हूँ और फिर मम्मी के पास चलता हूँ उनको दवाई देने के लिए। जितना सोचा था उतने भी लकी नहीं है, बिकॉज यहाँ आधी दवाइयाँ है ही नहीं, तो अब जाना पड़ेगा दूसरे मेडिकल स्टोर वहाँ पर दवाई लेने। तो मैं आ गया हूँ घर, और मम्मी की दवाई भेजने के लिए मैंने ड्राइवर अंकल को भेज दिया है। ये रही हमारी भम्मू, जिनकी इनकी भी तबीयत खराब होगी, पता नहीं सब बारी बारी से बीमार पड़ रहे हैं, मैं बचा हुआ हूँ अभी तक। मैं नमस्ते। कैसी तबीयत खराब हो गई अब? अरे मेरा भी ऐसे हो रहा है ना, गला खराब हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, और सर एकदम बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। अच्छा, फीवर भी है क्या? हल्का सा, मैंने वो डोलो ले रही थी। अच्छा दिखाओ। ठीक है, मेरा ठीक है। मैं फीवर आपको ज़्यादा लग रहा है। तू जा यहाँ से। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार। तू जा। मैं कैसे चला जाऊँगा ऐसे यार, कैसी बात कर रही हो आप? बेचारा काम पे जा रहा है दोबारा। जा भाई जा, मैं आराम से वीडियो बनाता हूं। ओके बाय। जाके मेरे व्लॉग देखियो। हां, डेली डेली लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। सब्सक्राइब किया है नहीं करा? पूरा दो बार सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब ऐसे दो बार दबाया, दो बार सब्सक्राइब करा इसने, समझ जाओ क्या हुआ होगा। वो खाना खा के जाना। मम्मी छोड़ने से नहीं आई क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, अभी जाते हैं यार मम्मी को देखते हैं। थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है उनकी, तो देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। दीपक क्या बन रहा है? मेथी कहाँ बनती है? मेथी तो बड़ी बनाई है। मेथी आलू की सब्जी। सब्जी बन रही है। हाँ। और एक मटर पनीर। और चाय कहाँ है मेरी? अभी चाय बनना शुरू नहीं हुई है, शुरुआती स्टेज में है अभी। ये रहा आपका दूध, चाय का। क्योंकि मुझे गाढ़ा दूध पसंद है, ये लोग पानी मिला देते हैं वरना। जल्दी बना देती है चाय। शीरो। और देखिए कौन है। शीरो शीरो। देखो मम्मी मेरे रूम में, क्योंकि मम्मी को सिम्टम्स ऐसे थे, तो पापा तो सोए अलग रूम में, मम्मी मेरे रूम में सोई हैं, और ऑस्कर के साथ। ऑस्कर अभी भी मम्मी के पास सोया है। भाई मैं तो अपनी माँ के पास आ गया हूँ, बस बस दूर ही रहे। चाहे माँ कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी तबीयत ठीक, हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। सुन सुन सुन, मेरी तबीयत ठीक नहीं, दूर रहे। तो क्या हुआ? इस बात का कोई लार नहीं है ना। बात लार की नहीं है मम्मी, तू दूर ही रहे। मेरी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है, फिर भी दूर ही रहे। एक बार देखता हूँ मम्मी, सबसे पहले आप ये दिखाओ, पहले मम्मी का देखता हूँ मैं ऑक्सीजन लेवल कितना है। थैंक गॉड ये ठीक है एकदम। वैसे मम्मी को ऑलमोस्ट कोविड ही है मम्मी। मैं एक बार ये और देखो, आप अपना टेम्परेचर और दिखा दो मुझे। ठीक है टेम्परेचर, ठीक है मम्मी। एक बार बस, मेरी बिट्टू परेशान बहुत कर रहा है। परेशान तो मैं करूँ ही हूँ, तो मसला क्यों बैठी है बताओ, जो अकेले में बैठी हो। यार मम्मी को ऐसे देखना सबसे बुरा लगता है मुझे, क्योंकि हमारे ना पूरे घर की शान यही है, पूरे पूरे घर का माहौल भी इन्हीं की वजह से रहता है सही। और देखो जब यही बेड पे है तो क्या होगा हमारा। निकालना नहीं उसको, इतनी देर होगी तो कुछ आया नहीं थर्मामीटर में। मम्मी निकालना नहीं, ठीक है पूरा टू 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 बजने दो। कहीं ऑफ तो नहीं है वो? नहीं ऑन है। और वैसे अच्छी बात यह है कि अभी जब मैंने धीरे से देखा तो मम्मी को फीवर नहीं है, मतलब बहुत कम है, 98.9 ऑलमोस्ट नॉर्मल, 98.9। देखिए आप सब भी रख दे अलग होगा, लेकिन बस ये ना गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। गले में ज्यादा दिक्कत है, तो मैं खांसी खांसी बहुत है, और एकदम बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पता नहीं बोल नहीं जा रहे। यार खांसी बहुत ज्यादा है और गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो चलो अब थोड़ी देर जरा मम्मी के पास ही बैठता हूँ। भाई लोगो
मैं हमेशा मम्मी को बोलता था कि मम्मी आप मेरे रूम में भी सो जाओ किसी दिन, किसी दिन मेरे पास भी लेट जाओ, और वो आती नहीं थी। और देखो आज आइसोलेशन में मेरी रूम में, और आज मुझे फाइनली मौका मिला, मम्मू से आज चिपट के सो जाऊंगा बिल्कुल यहीं पे। क्यों मम्मी सो जाएगा चिपट के, मेरे से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। क्यों दूर रहे, मास्क लगाना क्या हो जाएगा? फिर भी दूर ही रहना थोड़ा। अरे यार अगर कोविड होना हो तो हो ही गया होगा, घर में एक साथ हैं सब। ऐसा कोई बात ना, होना हो जाए पर, लेकिन फिर भी। फिर भी क्या, क्यों आना भगवत के? क्यों ना हूँ मैं, लेकिन एक बात है, कोविड पे कोई इनकी जुबान पसंद नहीं पड़ा, उतनी स्पीड से बोले जा रही है, उतनी ही बोले जा रही है। यार मम्मी को बहुत गलत फहमी होगी अपने बारे में, अभी एक इतनी सड़ी हुई वीडियो डाल रही है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला मम्मी इस वीडियो को ठीक करके डाल दो, तो कह रही नहीं नहीं मुझे तो, मेरे तो बहुत लाइक आ जाए, तो अपना देख मेरे तो 10-10 हज़ार लाइक आ जाए और इस चीज पे खुश है। मम्मी क्वालिटी वाली वीडियो डालो यार। मेरी अच्छी है, क्वालिटी है खूब, देखिए अब लोग कितना पसंद करेंगे हमारे गाने को। कौन सा गाना है वो, आपका गाना है वो, जिस सिंगर ने गाया वो बेकार है? वो मेरा है, मतलब आपने एक रील डाल दी तो आपका गाना हो गया फिर वो? बिल्कुल। अब ये मोबाइल तूने पकड़ लिया, तेरा मोबाइल हो गया, तेरा हो गया कैमरा भैया, इस हिसाब से तो बस ये तो कंपनी का कैमरा ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं जियो का सिम चला रहा हूँ तो पूरा हमारे कारोबार मेरा हो जाएगा फिर, याद रखना आप। अभी हम सब बैठे हुए थे, ऑस्कर आ गया, उसको खुशबू आ रही किस चीज की, पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं। ये देखो रिक्की है और ये पिल्लों के साथ खेल रहा है वहाँ, तो दिन भर का यही काम है। सच में यार ये कितना बड़ा पिल्ला प्रेमी है। ये आ गया, इसके पीछे पीछे देखो सब आ गए। अरे वाह, इनके वैक्सीन करा दे रिक्की। अच्छा पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरा बैकयार्ड है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ये सारे खेत टाइप के बनाए हुए मम्मी ने, यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाते हैं। और हम क्या मम्मी लगाती हैं देखो, जो तू खाता नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये है यश और ये है, यहाँ सारी सब्जियाँ मम्मी ने लगाई हुई हैं। ये देखो पूरा जंगल टाइप का है यहाँ पे, वहाँ एक पॉन्ड है वो आपको दिख रहा होगा शायद, वो एक पॉन्ड है, पूरा ग्रीन एरिया है। थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सब अपना ख्याल रखें, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा थोड़ी डाइसी चल रही है इस टाइम, हर जगह कोविड फैल रहा है। और मेरे खुद के नोन में से एटलीस्ट 30-40% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो कोविड हो गया, या फिर क्योंकि आजकल मौसम भी चेंज हुआ है, या फिर जो कि ठंड के शिकार हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ये बस कुछ टाइम की बात है। और जिन लोगों को कोविड हो चुका है या जिन लोगों की तबीयत ख़राब है उनको मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, आप लोग अच्छा खाएं, अच्छा प्रॉपर रेस्ट लें और नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, हम लोग सब आपके साथ हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया था। कल की वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, वो आपको कल ही पता चलेगा। इसी तरह प्यार देते रहो, बाय, वी लव यू ऑल।